हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ एजे। आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ रिक्वेस्ट डिस्पैचर इन सर्वलेट। ओके, रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या होता है हम देखेंगे, एंड साइमल्टेनियसली ये जो चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3। ओके, ये लास्ट चैप्टर है जो जावा ईई 7 जो फॉर बिगिनिंग ए बुक है उसमें से हमने लिया है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे हम, द रिक्वेस्ट डिस्पैचर इज द इंटरफेस प्रोवाइडेड ऑफ फैसिलिटी ऑफ डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट टू अनदर रिसोर्स, इट मे बी एचटीएमएल सर्वलेट एंड जेएसपी। ओके, बेसिक कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, जैसे जो हमें रिक्वेस्ट आने वाले के फ्रॉम एचटीएमएल पेज टू सर्वलेट पेज, हमने हमारे जो प्रीवियस सेशन इन द सेंस सेशन के अंदर देखा था, कुकीज के अंदर देखा था कि नॉर्मल जो एचटीटीपी पेज है हमारा, उससे हम रिक्वेस्ट करके डेटा हमारे सर्वलेट पेज के ऊपर जाते हैं। ओके, देन कि सेम जो रिक्वेस्ट का डेटा है हमारे पास, हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर फॉरवर्ड करना है। ओके, एज इट इज जो रिक्वेस्ट का डेटा है नेक्स्ट पेज के ऊपर रिट्रांसमिट करना है, तो उस पर्पज के लिए हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज करेंगे। ओके, सिंपल कंसेप्ट है कि नॉर्मल जो हमारा एचटीटीपी का पेज था उसके अकॉर्डिंगली जो भी कंटेंट आता था उसको एज इट इज हम नेक्स्ट पेज के ऊपर फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पे जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर है ये यूज करने वाले। ओके, नेक्स्ट रिसोर्स हमारा मे बी एचटीएमएल पेज हो सकता है, सर्वलेट पेज हो सकता है, या जेएसपीबी पेज हो सकता है। कोई भी पेज के ऊपर हम हमारा डेटा रिडायरेक्ट कर सकते हैं एज ए रिक्वेस्ट डिस्पैचर। दिस इंटरफेस कैन ऑल्सो बी यूज टू इंक्लूड अ कंटेंट ऑफ एन अनदर रिसोर्स। ओके, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, दूसरे रिसोर्सेस। ओके, इन द सेंस एचटीएमएल का पेज हमने नॉर्मल लिया एग्जाम्पल, एचटीएमएल का जो डेटा है हमारे सर्वलेट के ऊपर लिया, देन सर्वलेट का अगेन दूसरे सर्वलेट के ऊपर, दूसरे रिसोर्सेज के ऊपर। ओके, कोई भी पेज का डेटा हम कहीं पर भी रिडायरेक्ट करते हैं एज अ रिक्वेस्ट, जो भी हम डेटा फॉरवर्ड कर रहे हैं गेट रिक्वेस्ट जो हमारे मेथड है उसके थ्रू, जो भी मेथड हमें एज इट इज फॉरवर्ड करना है या इंक्लूड करना है, ओके, उसके अकॉर्डिंगली दोनों भी मेथड हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। देन इट इज वन ऑफ द वे टू सर्वलेट कोलैबोरेशन। ओके, कोलैबोरेशन इन द सेंस क्या, यहाँ पे क्या होने वाला है कि मल्टीपल सर्वलेट है हमारे पास, इन द सेंस एक सर्वलेट हम असाइन करेंगे फॉर सिंगल टास्क फॉर एग्जाम्पल, तो मल्टीपल सर्वलेट है तो हर एक सर्वलेट के लिए हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट टास्क यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो दैट इज द नंबर्स ऑफ सर्वलेट, नंबर्स ऑफ डिफरेंट टास्क इजीली कैन बी हैंडल विद एन नंबर्स ऑफ सर्वलेट। ओके, इसके अंदर नंबर्स ऑफ सर्वलेट का कोलैबोरेशन हम करेंगे, एंड इसके अकॉर्डिंगली जितने भी नंबर्स ऑफ यूजर्स है, नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट होगा, नंबर्स ऑफ मेन रिक्वेस्ट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सर्वलेट कोलैबोरेशन। देन नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं, दैट इज एन डिफरेंट मेथड ऑफ एन रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑफ इंटरफेस, कौन कौन से मेथड इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड दैट इज एन फॉरवर्डिंग मेथड। ओके, फॉरवर्डिंग मेथड को किस तरह से हम लिख सकते हैं, जो हमारा नॉर्मल मेथड जैसे पब्लिक वॉइड फॉरवर्ड, ओके फॉरवर्ड जो नॉर्मल हम पब्लिक ऑब्वियसली आपको पता है उसका मीनिंग एक्सेस स्पेसिफायर है, वॉइड जो रिटर्न डेटा टाइप होने वाला है क्या उसके अकॉर्डिंगली वो रिटर्न डेटा टाइप चेंज हो सकता है, देन फॉरवर्ड जो डेटा हमें फॉरवर्ड करना है, तो कौन कौन सा, सर्वलेट रिक्वेस्ट एज अ पैरामीटर रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स एज अ पैरामीटर ऑफ रिस्पॉन्स, ये हम फॉरवर्ड करेंगे, एंड थ्रो सर्वलेट एक्सेप्शन जावा इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, इफ कोई भी एक्सेप्शन इसके अंदर ऑकर हुआ तो उसको हैंडल करने के लिए सर्वलेट एक्सेप्शन एंड जावा इनपुट आउटपुट IO exception भी हम इसके अंदर यूज करेंगे। ओके, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में उन्होंने क्या दिया है, तो फॉरवर्ड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम सर्वलेट टू अनदर रिसोर्सेज, कि बाकी के दूसरे रिसोर्स के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारा डेटा फॉरवर्ड करेंगे एज इट इज, जो रिक्वेस्ट आई है उसको फॉरवर्ड करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली वो नेक्स्ट जो पेज होगा वो कोई भी पेज हो सकता है, जैसे कि जेएसपी हो सकता है, एचटीएमएल हो सकता है, या सर्वलेट भी हो सकता है। ओके, विद एन डायग्राम इसका कंसेप्ट समझ के लेते हैं। तो फॉरवर्ड मेथड इन द सेंस क्या होगा कि नॉर्मल जो यूजर है हमारा पास, यूजर रिक्वेस्ट वो सर्वलेट एंड उसके अकॉर्डिंगली सर्वलेट रिस्पॉन्स देता है, तो ये नॉर्मल मेथड थी, हमने प्रीवियसली जो सर्वलेट का सेशन था उसके अंदर कवर किया था। इफ किसी को जो सर्वलेट का बेसिक कंसेप्ट पता नहीं होगा तो वो हमारा जो प्रीवियस सेशन है
सहूलियत का, उसको देख सकता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और एज वेल एज जो आई बटन आपको ऊपर दिख रहा होगा वहाँ पे भी आपको सहूलियत का से जो मेथड होगा या बेसिक कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ओके देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड सर्वर लेंगे। ओके तो सेकेंड सर्वलेट के ऊपर क्या हो रहा है कि फर्स्ट सर्वलेट से डेटा एज इट इज हम क्या करेंगे सेकेंड सर्वर के ऊपर फॉरवर्ड करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो हमारे डायरेक्टली यूजर के पास होने वाले। ओके ये जो कंसेप्ट होगा, ओके इन द सेंस नॉर्मल जस्ट लाइक लॉग इन डेटा देखते कि लॉग इन डेटा हम लॉग इन फॉर्म के ऊपर एक सर्वलेट हमने किया कि जो क्या करेगा लॉग इन क्रेडेंशियल चेक करेगा एंड नेक्स्ट जो सर्वलेट होगा दैट इज एन लॉग इन फॉर्म वेलकम फॉर्म का एग्जाम्पल हम हमारे प्रैक्टिकल सेशन में देखने वाले। सो उसके अंदर क्या होगा, नॉर्मल क्लाइंट आपके लॉग इन क्रेडेंशियल यहाँ पे सेंड करेगा, देन फर्स्ट सर्वलेट क्या करेगा लॉग इन सर्वलेट क्रेडेंशियल चेक करेगा एंड सेकेंड इफ वो करेक्ट होगा सो हमारे जो सेकेंड सर्वलेट होगा वेलकम क्लाइंट या वेलकम यूजर, ये जो सेकेंड जो सर्वलेट होगा वो मैसेज डिस्प्ले करेगा एज अ रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे देने वाले। तो बाय यूजिंग एंड फॉरवर्ड मेथड ये सारी चीजें हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले। ओके देन नेक्स्ट देखते हैं दैट इज एन सेकेंड मेथड हमारे पास है दैट इज एन इंक्लूड मेथड। ओके सो इंक्लूड मेथड यहाँ पे क्या बताती है, तो पब्लिक वॉइड इंक्लूड सेम विथ यहाँ पे जो कीवर्ड है वो चेंज हुआ है जैसे लाइक वहाँ पे फॉरवर्ड था यहाँ पे इंक्लूड हो गया, देन उसके बाद जो सर्वर रिक्वेस्ट एज अ पैरामीटर्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड सर्वर रिस्पॉन्स एज अ सेकेंड पैरामीटर ऑफ एन इंक्लूड, दो पैरामीटर्स हम यहाँ पे पास ऑन करें सेम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड थ्रो बाय एक्सेप्शन इफ कोई एक्सेप्शन ऑकर होता है तो उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडल भी हम यहाँ पे यूज करें। देन नेक्स्ट इट इंक्लूड द कंटेंट ऑफ एन रिसोर्स जस्ट लाइक अ सर्वलेट जेएसपी पेज एंड एचटीएमएल। ओके सेम प्रोसेस होने वाला है बट यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज होने वाला है, क्या चेंज है विद एन डायग्राम हम थोड़ा सा कंसिडर करते हैं। ओके तो सर्वलेट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, ओके एक सेकेंड डायग्राम आपको विजिबल नहीं होगी अभी विजिबल होगा। ओके सो इसके अंदर जो चेंजेस है चेंजेस क्या होने वाले कि जो प्रीवियस फॉरवर्ड की मेथड थी और इंक्लूड मेथड है। ओके इंक्लूड मेथड में क्या हो रहा है जो भी रिस्पॉन्स जनरेट करने वाला है सेकेंड सर्वलेट वो क्या करेगा वापिस सेंड करेगा टू द फर्स्ट सर्वलेट। ओके देन वो क्या करेगा जो रिक्वेस्ट होगा वो फर्स्ट सर्वलेट टू हमारे क्लाइंट के पास जाने वाले। बट इन अ फॉरवर्ड मेथड क्या हो जाता है डायरेक्टली कम्युनिकेट विद एन क्लाइंट एंड यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्लूड मेथड में सर्वलेट के पास एज अ रिक्वेस्ट जा रहा है बट उसका रिस्पॉन्स एज इट इज सर्वलेट वन के पास आएगा, देन उसका रिस्पॉन्स अगेन दूसरा जनरेट होगा एंड देन वो क्लाइंट के पास जाएगा। ओके तो यही जो प्रोसेस होगा कि इसके अंदर क्या होगा जो जिसने फॉरवर्ड किया है रिक्वेस्ट वही क्या करने वाला है रिस्पॉन्स जनरेट करने वाला है कि ऑब्वियसली जो सर्वलेट टू था वो यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट कर गया बट वो कहाँ पे सेंड करेगा सर्वलेट वन के पास। ओके ये नॉर्मल डिफरेंस है, इफ आप दोनों डायग्राम कंपेयर करोगे इंक्लूड एंड फॉरवर्ड तो आपको इजीली दोनों में से जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। ओके देन लास्ट कंसेप्ट इसके अंदर बचा है वो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज एन हाउ टू गेट एन ऑब्जेक्ट एज अ रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ओके किस कौन कौन सी ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड है जैसे लाइक रिक्वेस्ट डिस्पैचर के लिए तो सिंपल एक ही ऑब्जेक्ट इसके अंदर यूज होने वाला है दैट इज एन गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड। ओके इस मेथड को यूज करके हम क्या कहेंगे इस ऑब्जेक्ट को पास करके इसके थ्रू जो भी रिक्वेस्ट की वैल्यू होगी हम यहाँ पे यूज करने वाले। तो इसके लिए स्पेसिफिकली सिंटैक्स क्या है पब्लिक रिक्वेस्ट डिस्पैचर देन उसका ऑब्जेक्ट दैट इज अ गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर एंड इसके अंदर जो भी हमें रिसोर्सेज स्ट्रिंग इन द सेंस जो रिक्वेस्ट का डेटा होगा एज इट इज हम क्या करेंगे इसके अंदर फॉरवर्ड कर देंगे। ओके तो फॉरवर्ड करने के लिए दो मेथड्स है हमारे पास। ओके इन द सेंस रिक्वेस्ट डिस्पैचर आर डी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर एंड ब्रैकेट में ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर हम क्या करेंगे हमारे सर्वलेट का नाम या रिसोर्सेज का नाम कि कौन से पेज के ऊपर हमें रिडायरेक्ट करना है। यहाँ पे सर्वलेट है तो एज इट इज सर्वलेट, इफ हमें एचटीएमएल पेज के ऊपर इसको रिडायरेक्ट करना है या सेंड करना है डेटा तो स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो भी नाम होगा उसके अकॉर्डिंगली हम डेटा सेंड करेंगे एंड देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टू जो भी मेथड हमें यूज करना दैट इज फॉरवर्ड और इंक्लूड। ओके यहाँ पे हमने फॉरवर्ड मेथड का एग्जांपल दिया आपको इंक्लूड करना होगा तो आर डी डॉट इंक्लूड ब्रैकेट में रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो भी कंटेंट होगा हमने लिया हुआ एज इट इज यहाँ पे हम क्या करेंगे फॉरवर्ड करेंगे। ओके सिंपल मेथड है
एक ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, दैट इज अ रिक्वेस्ट डिस्पैचर के गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड। उसके लिए दो पैरामीटर्स हम एक यूज करने हैं, फर्स्ट एक नॉर्मल उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड ऑब्जेक्ट के साथ मेथड, के दो ही चीजें इसके अंदर करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। ओके देन इफ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, इफ इसके अंदर कोई भी सजेशन होंगे एरर्स होंगे सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं सो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड जो फॉलोइंग नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट सीरीज होगी, उसके अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो बेल आइकन बेल नोटिफिकेशन है उसके थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सो बेल आइकन को भी क्लिक करें। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।